हे गाइस, ये मेरे साथ में एम्पियर रियो और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कम बजट के अंदर सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर जहां पर लो स्पीड कैटेगरी आप लोगों को चाहिए तो वहां पर आपको ये एक ऑप्शन मिलता है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आपको स्कूटर मिलता है। अब इस स्कूटर में क्या स्पीड आपको मिलेगी, क्या रेंज मिलेगी, ट्रस्टेड ब्रांड है तो कौन सा ब्रांड है और क्यों ये ट्रस्टेड है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर से रिलेटेड मिल सके और आप अगर एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो कम बजट के अंदर, स्पेशली लो स्पीड कैटेगरी के अंदर अगर आप स्कूटर देखते हो तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। ज़्यादातर के अंदर आपको स्टार्टअप कंपनीज मिलेंगी जो ऑफ़र तो काफ़ी कुछ करती हैं लेकिन उनके बाद उन्हें परचेज़ करने के बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो वो चीज़ आप चाहते हैं आपके साथ ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड के बारे में, तो ये है एम्पियर का रियो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि एक लो स्पीड स्कूटर है। अब एम्पियर जो ब्रांड है इसके बारे में अगर बात की जाए तो एम्पियर काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर है और चार मॉडल जो है फिलहाल कंपनी ऑफर करती है जिसमें कि स्टार्टिंग मॉडल है रियो। एम्पियर ब्रांड है ग्रेविस कॉटन का और ग्रेविस कॉटन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है इंडियन मार्केट के अंदर, काफ़ी पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है और बहुत सारे डीजी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो ग्रेविस कॉटन बनाता है और उन्हीं का सब्सिडरी ब्रांड है एम्पियर, तो ट्रस्ट आप कर सकते हो क्योंकि कंपनी कोई स्टार्टअप नहीं है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के अंदर आया है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको ये मिल जाती है। इसके बाद में क्या कुछ इस स्कूटर में ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात की जाए तो टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ ऊपर मिलते हैं, डिज़ाइन आप देख सकते हो कैसा लग रहा है कमेंट करना। हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ नीचे मिलेगा, बेसिक है। एलईडी यूनिट आपको मिल जाता है, एलईडी बल्ब यहाँ पर दिया गया है और क्योंकि स्कूटर लो स्पीड कैटेगरी के अंदर आता है तो नंबर प्लेट पोजिशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी, इसमें नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। रियो की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में यहाँ साइड पर देखने को मिलती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, 10 इंच का आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा ट्यूबलेस टायर के साथ में, रेलको का टायर कंपनी ने यहाँ पर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे टायर हैं और ग्रिप वगैरह जो है वो कैसी है वो स्कूटर जब चलाएंगे तब आपको बताएंगे। अलॉय का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है और साइड प्रोफाइल से अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक का स्टिकर आपको यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल साइड लुक कुछ इस टाइप की आपको मिलती है। आगे यहाँ फ्लोर बोर्ड में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है तो अगर आपको कुछ भी सामान वगैरह कैरी करना है तो वो आप कर सकते हो। मैटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है और यहीं पर आपको जो है वो चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका चार्जर कनेक्ट हो जाएगा और इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हो। साइड में यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है पिलियन के लिए और यहाँ पर भी जगह दी गई है तो आप चाहो तो यहाँ पर भी पैर रख सकते हो, यहाँ पर रखना चाहो यहाँ भी रख सकते हो। ये आपका फोल्डेबल है, फिलहाल इस पर पिन्नी लगी हुई है तो इसलिए ये फोल्ड होने में थोड़ा सा टाइट है तो इस टाइप से फोल्ड भी हो जाएगा। और पीछे अगर आप आओगे तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्सॉर्बर मिल जाते हैं, बीएलडीसी मोटर है, 250 वॉट की है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया लो स्पीड कैटेगरी के अंदर स्कूटर आता है और 10 इंच का व्हील है जहां पर ट्यूबलेस टायर आपको दिया गया है। रियो प्लस की ब्रांडिंग आपको यहां पर मिल जाती है, एलआई मेंशन है, लिथियम आयन बैटरी के साथ में स्कूटर आता है। यहां पर एक ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी मजबूत है और ये जो पीछे बैठेगा उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। साथ ही आपको कोई सामान वगैरह हैंग कराना है तो वो यहाँ आप करा सकते हो, बड़ा सा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर अलग से भी मिल जाता है। और टेल लैंप की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं और ये बड़ा सा मडगार्ड मिल जाता है। नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट इस स्कूटर में है नहीं, लेडीज़ फुटरेस्ट आपको कंपनी जो है वो देती है तो वो पीछे अगर आपके पिलियन में लेडी बैठती है तो काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली हैं इसके साथ में, तो ये अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। और बात की जाए टॉप व्यू की तो टॉप से कुछ ये स्कूटर लुक देता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया लो स्पीड कैटेगरी के अंदर है और स्टार्टिंग मॉडल है कंपनी का तो बेसिक जो कस्टमर रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सब आपको मिलती हैं लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ नहीं है। स्पेस के मामले में स्कूटर काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर अब ऑल इन वन लॉक सिस्टम मिलता है, यहीं से आप सीट एक्सेस कर सकते हो, यहीं से आप ऑन कर सकते हो। और पहले सीट के अंदर दिखा देता हूँ तो कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पर चार्जर रखा हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है, बाकी सामान वगैरह भी है और यहीं पर आपको इसके नीचे जो है वो बैटरी भी मिल जाती है तो स्पेस के मामले में स्कूटर काफ़ी बढ़िया है। और मीटर कंट्रोल की बात करूँ तो बेसिक डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सारी मिल जाएंगी, इधर स्पीड शो हो जाती है, इधर बैटरी शो हो जाती है, इधर ऑडो मीटर है। स्विचेस की बात करें तो यहाँ आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न मिल जाता है, इधर आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है और इधर पावर बटन है। जब तक आप पावर बटन का यूज़ नहीं करोगे तब तक स्कूटर आगे नहीं बढ़ता है, तो सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और इसमें आपको रिवर्स बटन भी दिया गया है तो
तो अगर आपको स्कूटर को रिवर्स करना है तो आप रिवर्स मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी स्कूटर वैसे हल्का है, वज़न वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से स्कूटर को आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं। बात करें अब इसकी स्पीड और रेंज की, तो लो स्पीड कैटेगरी के अंदर आता है, 25 टू 30 की मैक्सिमम स्पीड आपको ऑफर करेगा। और रेंज की बात करूं तो आराम से 65 टू 70 किलोमीटर की आपको एक चार्ज पर ये रेंज दे सकता है। लिथियम आयन बैटरी है, 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, 3 से 4 यूनिट ये स्कूटर लेगा। प्राइस सेगमेंट की अगर बात की जाए तो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये की ऑन रोड प्राइस में आपको ये स्कूटर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह इस पर नहीं होता है। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है तो डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी मुझे ओवरऑल स्कूटर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, लुक्स, और मेन चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से स्कूटर आता है। वैसे आपको इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो लो स्पीड कैटेगरी के अंदर स्कूटर ऑफर करती हुई मिल जाएंगे, लेकिन मेन इशू वही आता है कि आपने स्कूटर परचेज कर लिया, ब्रांड जो है वो स्टार्टअप था और स्टार्टअप कंपनी चली, कुछ टाइम चली और उसके बाद बंद हो गई, तो आप परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट मिल जाता है एक अच्छे ब्रांड का। बाकी आपको कैसा लगा एम्पियर का रियो इलेक्ट्रिक स्कूटर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।